दोस्तों आज के एक शानदार इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास लेके आए हैं। आपने भी अगर नीमराना की जो बावड़ी नहीं देखा है तो आज की इस वीडियो से इसका जो शानदार लुत्फ उठा सकते हैं। देखिए दोस्तों इसकी गहराई बहुत ज़्यादा इसकी गहराई है, अभी इसमें पानी भरा हुआ है, आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए दोस्तों अभी इसमें जो मजदूर लगे हुए हैं इसमें जो मरम्मत का कार्य इसमें चल रहा है। तो गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपके लिए लेके आए हैं। इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहेगा और गाइस साथ ही बता दें अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए अब स्टार्ट करते हैं, आपको जो स्टार्टिंग से आपको दिखाते हैं इसकी गहराई कितनी है और ये 500 साल पुरानी बावड़ी इसका अद्भुत दृश्य आप भी देख करते हैं। अब देखिए दोस्तों ये जो इसका बावड़ी है इसका शानदार जो बाहर का दृश्य आप देख सकते हैं। अब हम आपको नीचे लेके चलेंगे, उसमें दिखाएंगे इसकी कितनी गहराई इसकी है और इसमें अभी जो मरम्मत का काम इसमें चल रहा है और ये बहुत ख़तरनाक बावड़ी। आप इस नीमराना में अगर आप दिल्ली से जयपुर जाएंगे तो वहाँ रास्ते में नीमराना जो स्थान है वहाँ पर ये बावड़ी बनाई गई है। कम से कम 500 साल पुरानी ये बावड़ी है। इसके पीछे एक कुआं भी बताया गया है, अर्थात कुआं जो जिसके गहराई बहुत ज़्यादा। कुछ समय बाद में हम बिल्कुल इसके लायो नीचे आ जाएंगे और आपको दिखाएंगे इसकी पूरी गहराई, आपका अनुमान लगा सकते हैं। अभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें मरम्मत का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है ये भी आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं। अब आपको नीचे का इसका पूरा दृश्य आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों देखिएगा इस तरह की ख़तरनाक बावड़ी का जो निर्माण करना राजा जो इसी बड़ी बड़ी ख़तरनाक बावड़ियों का निर्माण करते थे, आज के समय ऐसा निर्माण होना बहुत ही नामुमकिन साबित होता है। देखिए दोस्तों इसमें अभी आप नीमराना का महल भी आप देख सकते हैं, इसकी थोड़ी कम से कम 1 किलोमीटर दूरी आपको नीमराना का महल भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसी राजा ने इस बावड़ी का निर्माण कराया था और अभी इसमें आप कुछ सेकंड्स बाद में ही अब आपको नीचे लायो आपको दिखाएंगे। इसमें एक कुआं भी बताया जाता है, इसमें एक कुआं भी जो खुदा हुआ है, उस कुएं में एक सुरंग महल और सुरंग दोनों इसके समीप ही ऐसे माना जाता है। इसमें पहले एक बारात पूरी बारात इसमें समा गई थी ऐसा इसमें बताया जाता है। तो दोस्तों आप भी इस अद्भुत बावड़ी का ज़रूर आप लुत्फ़ उठाइएगा। इस तरह से आप इसमें नीचे जा सकते हैं लेकिन अपनी सेफ्टी का इसमें ज़रूर ध्यान रखना होगा, उसके बाद में ही आप इसका नीचे का नज़ारा आप देख सकते। दोस्तों देखिए इसकी कितनी गहराई इसकी बनाई गई है, इसकी इतनी गहराई में बावड़ी का जो निर्माण करना एक अद्भुत कला के बराबर है। दोस्तों देखिए अभी इसमें पानी भरा हुआ था बरसात के समय की वजह से, अर्थात बरसात का टाइम है, डेली बारिश जो नीमराना में हो रही है इस वजह से इसमें पानी भरा हुआ, पूरा बारिश का पानी इसी बावड़ी में आ जाता है, आप भी इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों देखिएगा इसमें नीचे कुआं था जो अभी कुआं वो नहीं रहा। दोस्तों देखिए शानदार नज़ारा आप देख सकते हैं इसका पूरा इस खतरनाक बावड़ी। दोस्तों नीचे से अगर आप ऊपर का दृश्य देखेंगे तो आपको इस तरह का नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। ये कम से कम अगर इसको देखें तो 7 मंजिला ये इमारत बना हुआ है, अर्थात बावड़ी के रूप में ये बनाया गया है। अभी इसमें पत्थर टूटे सारे इसका जो मरम्मत अभी चल रहा है, इसमें पक्षियों की चहचहाट बहुत ज़्यादा रहती है, अर्थात आपको बहुत ही और गर्मी भी इसमें बहुत ज़्यादा महसूस होती है, तो ज़्यादा समय तक आप इसमें रह नहीं सकते हैं। ये इसमें अगर आप देखने आओगे तो ये ज़रूर आप इसमें। और दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाते रहें।